हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और हेल्दी रेसिपी, ब्रोकली और ओट्स से बनने वाली ये टिकिया, जो सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और ब्रेकफास्ट के लिए तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। एक ब्रोकली ली है मैंने। अब इसके नीचे का जो मोटा पार्ट है, इसे हम काट के अलग कर देंगे और इसको काट के हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ब्रोकली को मैंने पानी से धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में मैंने लिए हैं 2 कटे हुए प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियां। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें इन सबको डालकर हम अच्छे से पीस लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा मोटा ही पीसा है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़े से ओट्स। तो ये 1 कप ओट्स है। अब इन सबको मिक्सी में हम बारीक पीस लेंगे और एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और भुना पिसा जीरा, ये भी 1/2 टीस्पून है, और थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करके आप अपने मनपसंद शेप की टिकिया बना सकते हैं। तो मैं गोल गोल ही बना रही हूँ। तो लीजिए, अब सारी की सारी टिकिया बनके तैयार है। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 फ्राइंग पैन। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, इसके अंदर हम जो टिकिया हमने बना के रखी थी एक एक करके रखते जाएंगे। फ्लेम हमें लो मीडियम पर ही रखनी है। एक बार इसको थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे ऑयल चारों तरफ से अच्छे से लग जाए। थोड़ा सा इसे मूव कर लेंगे क्योंकि ये ब्रोकली है, ये कई बार नीचे बॉटम पर चिपक भी जाती है। तो बस हल्का सा मूव करके इसको हम ढक के रख देंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। 5-7 मिनट बाद ही नीचे से जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो बस अब इसको हम पलट देंगे। तो सारी की सारी टिकिया मैंने टर्न कर दी है और ये एक साइड से बहुत अच्छे से सिक गई है। हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे जिससे इसमें कहीं भी कोई कच्चापन ना रहे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये बिना उसके भी बहुत अच्छे से फ्राई होती है, पर मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से हिला लेंगे और अगेन हम इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। तो 10 मिनट बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। और अंदर तक चेक कर लें कहीं से कोई कच्चापन ना हो। तो ये टिकिया सारी कुक हो गई है, तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी टिकिया बनके तैयार है। बहुत से लोग ब्रोकली का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं करते, लेकिन आप अगर इस तरह से बना के देंगे तो वो सब जल्दी से ही चट कर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि ये किस चीज़ की बनी है, और आपसे बार बार इसकी डिमांड करेंगे। गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी टिकिया बनके तैयार है। बहुत से लोग ब्रोकली का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं करते, लेकिन आप अगर इस तरह से बना के देंगे तो वो सब जल्दी से ही चट कर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि ये किस चीज़ की बनी है, और आपसे बार बार इसकी डिमांड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही हूँ क्योंकि खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और रियली में बहुत ही टेस्टी बनी है। तो एक बार बना के आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।